नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आमिर खान के बाद अब एआर रहमान भी असहिष्णुता विवाद में कूदे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का असहिष्णुता विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि मशहूर संगीतकार एआर रहमान भी इस मुद्दे में शामिल हो गए हैं। रहमान ने कहा कि आमिर खान के तर्ज पर मैं भी असहिष्णुता का शिकार हुआ हूँ, मुझे भी लगने लगा था कि मुझे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। रहमान ने कहा कि जब मैंने ईरानी फिल्म में संगीत दिया था तब मुझे रजा अकादमी की तरफ से धमकी मिली थी। उस वक्त मेरे मन में भी ये ख्याल आया था कि मुझे भारत छोड़कर किसी और देश में चले जाना चाहिए। जेटली का कहना है कि आईएएस की गतिविधियों से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चेतावनी दी है कि आईएएस की विध्वंसक गतिविधियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने एक औद्योगिक चैंबर की वार्षिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की चुनौतियों को पूरा करने की दिशा तेजी से सुरक्षा कदमों की ओर होगी और यह बड़ा सवाल होगा कि दुनिया का कौन सा हिस्सा अपने आप में सुरक्षित है। जेटली ने कहा कि आईएएस पिछले कुछ महीने से दुनिया भर में जो कर रहा है वह सभ्यता के लिए नया खतरा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को कम नहीं समझा जा सकता। एलओसी पर भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे कुपवाड़ा के तंगधार में आज सुबह गोरखा राइफल्स के कैंप पर बड़ा आतंकी हमला किया गया। आतंकवादियों ने सुबह कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया और उसके भीतर जाने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस हमले के कारण कैंप में आग लग गई जिस पर जल्द ही काबू पाया गया। सेना और आतंकियों के बीच जमकर फायरिंग भी हुई। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद सीमा पार से आए आतंकी भाग निकले। सेना ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।